सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को, और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे राशन कार्ड नवीनीकरण का फॉर्म कैसे आपको भरना है, राशन कार्ड का जो नवीनीकरण का फॉर्म होता है कैसे आपको भरना है। और ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनका राशन कार्ड का नवीनीकरण होना है, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं जिनके कार्ड का नवीनीकरण होना है केवल वही लोग इसको देखें वीडियो को। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, राशन कार्ड का नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र आप ये देख रहे हैं और साथ ही इसमें घोषणा पत्र भी शामिल है। तो दोस्तों, ये कैसे आपने भरना है इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना जो आपका राशन कार्ड है वो ले लेना है, उसमें पंजीयन क्रमांक उसमें होगा वो आपने यहाँ डाल देना है। पंजीयन क्रमांक एक होता है, उसको आपने यहाँ भर देना है। सबसे पहले आपका पंजीयन क्रमांक यहाँ आपका भरा जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपने उसके बाद इसमें आपका जो ग्राम है, वार्ड है, आप अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ आपने वार्ड का नाम डाल देना है, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्राम का नाम इसमें आप डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों, ग्राम पंचायत या नगर निकाय क्षेत्र का नाम यहाँ डालेंगे। उसके बाद विकासखंड या तहसील का नाम यहाँ डालेंगे, जिला का नाम उसके बाद यहाँ डालेंगे। साथ ही दोस्तों, इसमें दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आप लगा देंगे, एक यहाँ आप चिपका देंगे, एक साथ में अटैच कर देंगे इसके साथ में। उसके बाद दोस्तों, आपने यहाँ जो आपका विषय है, जैसे कि आप देख रहे हैं विषय इसमें दिया गया है राशन कार्ड नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र, तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है तो मैं इसके बाद आपने अपना यहाँ नाम डाल देना है। उसके बाद आपने अपने पति का नाम या पिता का नाम यहाँ डाल देना है। और उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ आपको आपका राशन कार्ड का नंबर यहाँ भर लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ आपको राशन कार्ड का नंबर इनमें भर लेना है, वो आपके राशन कार्ड में पहले से ही मौजूद है, वो आपने यहाँ भर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपका जो आपका नाम है, सरनेम सहित यहाँ आपने भर देना है, जैसे कि सूरज कुमार है तो सूरज कुमार आपने यहाँ नाम डाल देना है, जो कि आधार कार्ड में आपका नाम दर्ज है वही नाम आपने यहाँ डालना है। उसके बाद आपने अपना वर्ग डालना है, कौन सी कैटेगरी से आप, सामान्य या अनुसूचित या अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जनजाति जो भी है। उसके बाद आपका वर्तमान पता क्या है वो आपने यहाँ डाल देना है, गली नंबर, मोहल्ला और ग्राम पंचायत या वार्ड का नाम, ये आपने सारी चीज़ें यहाँ डाल देनी है। अब दोस्तों, उसके बाद आपको जो आवेदक हैं, यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है आवेदक के द्वारा उपरोक्त वर्तमान पते की पुष्टि हेतु आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड या एपिक कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न की जाए। साथ में आपको जो आपने जो एड्रेस दिया है उसको वेरीफाई करने के लिए आधार कार्ड या आप अपना वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासबुक की फोटोकॉपी आप इसमें लगा सकते हैं। अब दोस्तों, आपके यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि आधार कार्ड के अनुसार आवेदक की जन्मतिथि क्या है, तो जन्मतिथि आपने यहाँ भर लेनी है अपनी, जो भी आपकी जन्मतिथि है उसको आप यहाँ भर लेंगे। उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर, यानी कि आपका मोबाइल नंबर यहाँ भर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, जो आपकी जो जिस दुकान में आपको राशन मिलती है उस दुकान का नाम आपको डाल देना है यहाँ। उसके बाद आपको अपने बैंक खाते का डिटेल्स यहाँ देनी होगी, सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ डाल देना है। उसके बाद किस बैंक में आपका खाता है उसका नाम डाल देना है, जैसे कि जो भी बैंक होगा उसका एड्रेस यहाँ, ब्रांच का नाम यहाँ, कहाँ वो ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें आईएफएससी कोड यहाँ डाल देना है, ये आ गया। और उसके बाद दोस्तों, इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कुछ नोट लिखे हुए हैं, राशन कार्ड के पीडीएफ के प्रथम और अंतिम पृष्ठ की प्रति संलग्न करें, यानी राशन कार्ड जो आपका है वो उसमें आपने साथ ही आपकी जो राशन कार्ड की कॉपी है उसका पहला पेज और लास्ट पेज भी आपने इसमें लगाना है। और आवेदक का जो बैंक, यानी जो आपका जो जो आवेदक हैं उसके बैंक खाते की छायाप्रति भी आपको लगानी है, यानी बैंक की फ़ोटोकॉपी भी आपको इसमें लगा देनी है, बैंक पासबुक की भी। उसके बाद दोस्तों, जो इसमें नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, राशन कार्ड में जो शामिल जो आवेदक हैं उसके जो परिवार के सदस्य हैं उनका विवरण इसमें देना होता है। तो आपको क्या करना है, जो आपके परिवार वाले जो परिवारजन हैं, सबसे पहले आपने इसमें क्रमांक नंबर डालते जाना है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। उसके बाद आधार कार्ड में जो नाम है वही आपको यहाँ भरते जाना है, जिनके भी सभी के नाम, अपने परिवार वालों के, बच्चों के,
उसके बाद उनकी आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ आपने डाल देनी है। यहाँ आप सभी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद महिला पुरुष यहाँ आप डालते जाएंगे, महिला हैं या पुरुष हैं, ठीक है। उसके बाद आवेदक जो है उनसे मुखिया से संबंध क्या है, आपकी बेटे हैं या पत्नी हैं या आपकी माता है या आपका बेटा है, इस तरह से आपने ये इसमें डालना है। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ सभी के डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों अगर परिवार में कोई सदस्य हैं जिनका नाम आपको हटाना है या जोड़ना है तो उनके नाम आप यहाँ डालेंगे, जिनके नाम आपने जोड़ने हटाने हैं या उनकी डिटेल आपको डालनी है। सेम इसी तरह आपको यहाँ आधार कार्ड नंबर, लिंग संबंध वगैरह और आधार कार्ड क्रमांक वगैरह आपको पूरा डालना है। इस तरह से आपने ये कर लेना है और उसके बाद आपका घोषणा पत्र आप ये देख सकते हैं। घोषणा पत्र में आप एक बार पढ़ लेना है जो आपके जो आवेदक जिनका कि आपने आवेदन किया है जिन सभी लोगों के लिए, उनका पूरी डिटेल, आपकी जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और पूरी डिटेल आपकी सही है इसमें लिखा हुआ है और पूरी सारी जानकारी आपने सही दी है ये इसमें पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपने इसमें नाम डाल देना है, स्थान का, दिनांक डाल देना है और आवेदक का नाम और आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ आपने कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये फॉर्म जमा करना है। नीचे का जो पूरी नीचे जो डिटेल है, ये इतनी डिटेल ये आवेदक के द्वारा नहीं भरी जानी है, ये अधिकारी के द्वारा भरी जाएगी जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इसमें से आपको कुछ नहीं भरना है। उसके बाद दोस्तों आपने साथ में इसमें जो आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट है जैसे कि सभी लोगों के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आपके बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, वो आपने इसमें लगा देनी है और इसको आपने जमा कर देना है और आपका जो राशन कार्ड है उसका नवीनीकरण हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप राशन कार्ड का नवीनीकरण का फॉर्म भर सकते हैं घोषणा पत्र के साथ में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।